अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। आज का जो हमारा लेसन है वो ये है कि आपने पेज नंबर 15 पर एक्सरसाइज बी सॉल्व करनी है, जो कि क्रॉसवर्ड पज़ल है। इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 15 ओपन कीजिए और एक्सरसाइज बी सॉल्व कीजिए। क्रॉसवर्ड पज़ल में जो अक्रॉस हैं, नंबर 4, अ लाइफ साइकिल इज़ ऑल द डैश डैट एन एनिमल गोज थ्रू फ्रॉम बर्थ टू डेथ। लाइफ साइकिल इज़ ऑल द डैश डैश में आएगा चेंजेस। लाइफ साइकिल क्या है? वो सारी चेंजिंग्स हैं, वो सारी तब्दीलियाँ हैं जो कि एक एनिमल की बर्थ से डेथ तक होती हैं। ठीक है, अब नंबर 7 में देखें आप, प्लांट्स यूज डैश फ्रॉम द सोइल टू हेल्प देम ग्रो। प्लांट्स जो है वो सोइल से क्या यूज़ करते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें, वो बड़े हो सकें। तो प्लांट्स जो हैं वो सोइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, अब आप डाउन में आएँ, डाउन में नंबर 1 में जो है वो देखिए, बेबी हिप्पोस आर रियली स्मॉल व्हेन दे आर बोर्न बट चेंज इन डैश एज दे ग्रो। बेबीज जब आप अपने आप को देखें, जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप प्ले ग्रुप में थे, जब आप नर्सरी में थे, उस वक्त आप बहुत छोटे थे, लेकिन अब जो हैं अब आप 3 क्लास में हैं तो अब आप बड़े हो चुके हैं। तो इसी तरह से जो बेबी हिप्पोस है वो बहुत छोटा था जब वो पैदा हुआ था, जब वो बड़ा हुआ तो वो किस उसमें जो चेंजिंग्स हैं वो किस तरह से हैं, चेंज इन साइज, वो साइज़ में बड़ा हुआ था। ठीक है, अब नंबर 2 देखें, एवरी लिविंग थिंग हैज़ अ लाइफ डैश। हर जानदार चीज़ जो है, हर लिविंग थिंग जो है, उसका क्या होता है, लाइफ साइकिल। तो ब्लैंक में क्या आएगा, साइकिल। अब नंबर 3 देखिए, डैश लुक वेरी डिफरेंट व्हेन दे बिकम फ्रॉग। टोडपोल्स जो हैं जब वो फ्रॉग बनने से पहले बहुत डिफरेंट होते हैं। फ्रॉग जब एक फ्रॉग होता है, जब फुली ग्रोन एक फ्रॉग बनता है तो उससे पहले वो टोडपोल में होता है, तो टोडपोल जो है वो एक बहुत डिफरेंट लगता है एज़ कम्पेयर टू फ्रॉग। नंबर 5 देखिए, अ बटरफ्लाई चेंजेस डैश एज इट ग्रोज। तो जब बटरफ्लाई बड़ी होती है, जब वो फुली ग्रोन होती है, तो तब वो क्या चेंज करती है, अपनी शेप। तो ब्लैंक में क्या आएगा, शेप। नंबर 6 है, अ चिक चेंज डैश एज इट ग्रो इन टू अ हैन। एक चिक जो है, एक चूज़ा छोटा सा जो होता है, वो क्या चेंज करता है जब एक वो हैन में कन्वर्ट होता है, तो वो अपना कलर चेंज करता है। तो ब्लैंक में क्या आएगा, कलर आएगा। ठीक है, तो ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक पर एक्सरसाइज बी सॉल्व करनी है, पजल भी सॉल्व करनी है, और आपने अक्रॉस एंड डाउन में जो ब्लैंक्स गिवन है वो भी आपने सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू।